उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की और एक निजी अस्पताल का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहा कि हमारे सरकारी अस्पतालों में रोजाना 40,000 लोगों का इलाज किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 272 प्रकार की जांचों को मुफ्त किया जा रहा है। हमारी सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर हों। इसके लिए हम लगातार डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की भर्ती कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और राज्य भर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारी सरकार जो है पर डे सरकारी हॉस्पिटलों में 40,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज निःशुल्क होता है और पहली बार आप देख रहे होंगे कि हमारी सरकार के द्वारा 272 जांचें फ्री की गई। हमारी सरकार के द्वारा जो गर्भवती माता बहनें हैं उनके लिए खुशियों की सवारी अलग से व्यवस्था की गई। डायलिसिस का इलाज हमारे यहाँ फ्री है। पूरे देश में पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ की डायलिसिस के मरीजों का इलाज फ्री है।